जो अच्छी जगह है, जो वाइब्रेशन पॉजिटिव देती है, जिसको हम पावर स्पॉट्स कहते हैं, वो पॉजिटिव भौगोलिक ऊर्जाएं हैं, जहाँ पे मंदिर बनते हैं, बड़े पुराने ज़माने में घर बनते थे, पैलेसेस बनते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज बनते थे। जब आप एंशिएंट नॉलेज सिस्टम में देखेंगे, जब ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम में जाएंगे, इंडियन कॉन्सेप्ट को देखेंगे, तो हमें भौगोलिक ऊर्जाओं का सबसे ज़्यादा ज्ञात था, लेकिन हमें उस सब्जेक्ट को टेक्निकली समझाने में मुश्किल होती थी, क्योंकि ये फिज़िक्स है, ये एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है ज़मीन की ऊर्जाओं को, टेक्टोनिक मूवमेंट को, जिसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हर लेयर ज़मीन की डिफरेंशिएट करती है, और जब हम ज़मीन की लेयर्स हिलती हैं, वाइब्रेट करती हैं, तो वाइब्रेशन ऊपर आ जाती है कैपिलरी एक्शन से, और वही वाइब्रेशन हमारे शरीर को असर करती है, और ये शारीरिक दुविधाएँ, शारीरिक वाइब्रेशन, और ये शरीर में अंदर जो नेगेटिविटीज़ क्रिएट हो रही हैं जियोबायोलॉजी से, उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, उसका सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन को आर्किटेक्चरली आप डिफाइन कर सकते हैं, घर को सही जगह पे बना के, पावर स्पॉट के बना के, लेकिन अगर कोई घर, कोई स्पेसेस जहाँ ऑलरेडी बन चुके हैं और आपको बाद में मालूम पड़ा है कि जियोबायोलॉजी और जियोपैथिक स्ट्रेस अंदर आ गया है, तो उस समय आपको सॉल्यूशन बेस्ड रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, जिसको हम जियोपैथिक रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और ये जियोपैथिक रेक्टिफिकेशन एनर्जी बाउंड्री बना के, जियोपैथिक रिवर्सल लगा के, वाइटलाइजर और हार्मोनाइजर लगा के, पावर स्पॉट्स से पॉजिटिविटी खींच के, और जहाँ पे जियोपैथिक नेगेटिविटीज़ हैं, उस ग्रिड लाइन से रिवर्सल लगा के हम एनर्जी मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये ऊर्जाओं का मैनिपुलेशन एनर्जेटिकली कंड्यूसिव फॉर द पीपल लिविंग इनसाइड, जो लोग घर में रहते हैं, उनकी वाइब्रेशन के साथ अगर हम ट्यून कर दें, तो जियोपैथिक स्ट्रेस का प्रॉब्लम, जियोपैथिक नेगेटिविटी बहुत कम हो सकती है, और लोग हेल्दी और हैप्पी घरों में रह सकते हैं।